तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने पोस्ट की नई संसद की छत टपकने का वीडियो, क्यों ना फिर से पुरानी संसद में चलें। अखिलेश यादव ने बारिश में नई छत की टपकती हुई एक वीडियो शेयर की और शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, इस नई संसद से अच्छी तो हमारी पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। उमस से जूझ रही दिल्ली में बुधवार शाम करीब 3 घंटे तक मूसलाधार बारिश राहत के साथ आफत लेकर आई। शहर के बड़े हिस्से में लोग जलभराव की समस्या से जूझते दिखे। कई इलाकों में लोग जहां तहां फंस गए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली की बारिश में नई संसद की छत टपकने का एक वीडियो शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, इस नई संसद से अच्छी तो हमारी पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे, क्यों ना फिर से पुरानी संसद चलें, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, इस नई संसद से अच्छी तो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे, क्यों ना फिर से पुरानी संसद चलें, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उसकी सोच समझ कर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता। भारी बारिश से बेहाल दिल्ली का हाल। भारी बारिश से राजधानी के 40 इलाकों में जलभराव हो रहा है। सड़कों पर लबालब पानी भरने से पूरी दिल्ली देर रात तक जाम में जूझती रही। कई अंडरपास और सड़कों को जलभराव के कारण बंद करना पड़ा। इसके साथ ही IGI एयरपोर्ट पर 10 विमानों को डाइवर्ट करना पड़ा। जानकारी के अनुसार सब्जी मंडी इलाके में एक दुकानदार जमींदोज हो गया। इसमें एक व्यक्ति के दबे होने की आशंका है। वहीं दरियागंज में एक स्कूल की दीवार गिर गई। राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जहां 3 छात्रों की मौत हो गई थी, वहां भी सड़कें लबालब हो गई हैं। यहां बारिश के बीच छात्र प्रदर्शन करते रहे। इसी के चलते आज अभी भी सरकारी और निजी स्कूल रहेंगे बंद। भारी बारिश और जलभराव के कारण दिल्ली में गुरुवार में सभी इसी के चलते आज सभी सरकारी और निजी स्कूल रहेंगे बंद। भारी बारिश और जलभराव के कारण दिल्ली में गुरुवार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का निर्देश शिक्षा मंत्री अतिसी ने जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में गुरुवार को भी भारी बारिश होने का संदेश दिया है। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।